हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। काले मास्क का वितरण कर पटवारी ने जताया विरोध, वेतन विसंगति को लेकर सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। राजस्थान पटवार संघ राजस्थान के आह्वान पर वेतन विसंगति को लेकर ग्रेड पे 3600 हेतु आयोजित पटवार हक यात्रा कार्यक्रम के तहत सोमवार को पटवार संघ जिला शाखा जालौर के जिला अध्यक्ष कैलाश डौकिया के नेतृत्व में विरोध स्वरूपी रैली निकाली गई। जिले के समस्त पटवारियों ने पटवार विश्रांति भवन से जिला कलेक्टर कार्यालय तक रैली का आयोजन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। रैली का आयोजन गांधीवादी तरीके से करते हुए मुख रैली निकाल कर सरकार से मांगे पूरी करने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया कि सरकार द्वारा पटवार संघ की मांग पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है तो आगामी आयोजन रणनीति के तहत 9 जनवरी को सामलियाजी से चित्तौड़गढ़ पर प्रदेश महासमिति का आयोजन किया जाएगा। साथ ही पूर्ण कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। पटवार संघ जालौर द्वारा काले मास्क का वितरण किया गया। पटवार संघ के अध्यक्ष कैलाश डौकिया ने बताया कि जब तक संगठन की मांगे नहीं मानी जाती संगठन संघर्ष करता रहेगा। सोमवार को संगठन की ओर से काले मास्क वितरित किए गए, साथ ही काले पट्टी बांधकर पटवार संघ के सदस्यों ने विरोध जताया। पटवार संघ के सदस्य जिले में राज्य सरकार द्वारा दिए गए हर कार्य को मुस्तैदी से पूर्ण कर रहे हैं, अधिक जिम्मेदारी होने के बावजूद भी कोई शिकायत नहीं करते, लेकिन उनके साथ वेतनमान के रूप में सौतेला व्यवहार हो रहा है। पटवारियों को 3600 पे ग्रेड के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है जो कि उनका हक है। वर्तमान में कार्य के हिसाब से पटवारी 3600 पे ग्रेड के हकदार है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। आगामी दिनों में यदि कोई कदम नहीं उठाया गया तो पटवार संघ की ओर से राज्य भर में आंदोलन किया जाएगा। वहीं सेवानिवृत्ति आरआई रत्नाराम देवासी के निधन पर 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान जालौर उप शाखा के लहरा राम, संजय मीना, लक्ष्मण सिंह, जिला महामंत्री जोगेंद्र सिंह, किशन सिंह, गोपाल सिंह, जबरदान बाबूलाल विश्नोई, रमेश, शंकराराम, मांगीलाल, राजेंद्र बोहरा, विकास, सुंदा देवी, ललिता बदामी सहित जिले के समस्त पटवारी उपस्थित रहे। जागरूक टीवी के लिए जालौर से तरुण गहलोत की रिपोर्ट।